गलतफहमी में माँ ने मुझसे ये करवाई। नमस्ते, मेरा नाम हर्ष है, मेरी उम्र 22 साल है, मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी कदकाठी सामान्य है, आजकल मैं अक्सर हर हफ्ते अलग अलग औरतों से मिलना पसंद करता हूँ। यह कहानी मेरी सत्य जीवन घटना पर आधारित है। मुझे यह कहानी बताते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है, पर मैं करूँ भी तो क्या, मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करना है। मेरी माँ एक बहुत ही साधारण महिला है, लेकिन वो बहुत ही आकर्षक दिखती है। उसकी उम्र 40 साल है, उसका गोरा रंग तो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वो हमेशा साड़ी पहनती है। जब वो सज धज कर किसी शादी या फंक्शन आदि में जाती है तो सभी लोगों की निगाहें उस पर गड़ी होती हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 20 साल का था। आपको तो पता ही है कि इस उम्र में बुखार चढ़ा हुआ होता है, पर मेरी माँ के बारे में मैंने कभी कोई गलत बात मन में भी आने नहीं दी थी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो अक्सर हम लोग एक ही कमरे में सोते थे। एक दिन अचानक रात को मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने हल्के से पलट कर देखा तो मुझे दिखा कि मेरे पापा मेरी माँ के पास बैठे हैं। मैं बिना आवाज किए वो सब देखता रहा। वहाँ क्या चल रहा था मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, मगर इस प्रकार का नजारा पहली बार देखा था मैंने। वो नजारा देखकर मेरा बुरा हाल हो गया था। उसके बाद वो करवट लेकर सो गए। मुझे तभी पता चल गया था कि मेरे बाप में दम नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं हल्का होने के लिए बाथरूम जाने के लिए उठा, मगर उससे पहले मेरी माँ मुझे बाथरूम जाते दिखी। मैंने थोड़ी देर रुका, माँ के आने की राह देखने लगा, पर कुछ ज्यादा समय हो गया, माँ वापस नहीं आई, तो मैंने उनको देखने के लिए गया। मैंने धीरे से अंदर झांका। मैंने दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ये सब तमाशा देख रहा था। इधर मैं भी देख रहा था। मैं माँ के पहले बिस्तर पर जाकर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो अब मेरा माँ की तरफ देखने का नजरिया बदल गया था। मेरी माँ अक्सर बाथरूम से निकलने के बाद साड़ी पहनती है। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने देता और उस कमरे में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं उन्हें उस दिन से इस अवस्था में कैमरे में शूट करने लगा। फिर जब मेरा भी मन करता तब मैं कुछ अपने से कर लेता। फिर कुछ दिन बाद हुआ यूं कि मेरे पापा को 3 दिन के लिए बाहर गाँव जाना था। अब तो मुझे पता था मेरी भूखी माँ तो पूरी तरह शिकार हो जाएगी। मेरे पापा सुबह काम के लिए निकल गए। दोपहर को मैंने सोने का नाटक किया। जैसे ही मैं सोया मेरी माँ बाथरूम के और चल पड़ी। फिर क्या, मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। लेकिन उस दिन तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने उस दिन हाथ में बेलन लिए हुए था। मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला और उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद अब जब तक पापा वापस नहीं आए ऐसा हर रोज होने लगा। 3 दिनों बाद पापा शाम को घर आए। उस रात हमने खाना बाहर से मंगाया था। खाना खाने के बाद मैं बाथरूम में मोबाइल लेकर चला गया और वीडियो देखने लगा। लेकिन फिर सोचा कि आज तो पापा समझ जाओ, मतलब रात को माँ फिर से लाइव शो दिखाएगी। उस रात मेरे पापा मुझे बोले, हर्ष तू आज नीचे अपनी माँ के साथ सो जा, मेरी पीठ में दर्द है तो मैं बेड पे सोता हूँ। मैं हमेशा बेड पर सोता हूँ, लेकिन उस दिन मैं माँ के साथ सोने को तैयार हो गया। मैं और पापा लाइट बंद करके सो गए। पापा तो कुछ ही देर में गहरी नींद में चले गए। कुछ देर बाद माँ सब कुछ घर का काम करके मेरे पास आकर सो गई। कमरे में अंधेरा था, इसलिए ये समझ पाना मुश्किल था कि कौन कहाँ सोया हुआ है। थोड़ी देर बाद मैंने अपने पैर पर कुछ हरकत महसूस की। मैंने देखा कि मेरी माँ ने अपना एक पैर, उन्होंने धीरे से आवाज निकाली और बोली, क्यों जी आज कुछ प्लान नहीं है क्या? मेरी तो फट ही पड़ी थी, पर मैं कुछ नहीं बोला। पर माँ ने बोली, अच्छा समझ गई, थक गए हो गए आप तो, चलो मैं थकान मिटाई देती हूँ। फिर वो बोली, अजी आज कुछ और बात लग रही है, लगता है मेरी आज खैर नहीं। क्या खा के आए हो बाहर गांव से जो इतने जोश में हो? मैं और मेरे पापा हमेशा एक ही टाइप का पजामा पहनते थे, तो माँ को वैसे भी समझ नहीं आने वाला था कि वहाँ पे मैं सोया हूँ, पापा नहीं है। मुझे कुछ सूझता उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ, मेरे तो करंट दौड़ गया। मैंने मौके का फायदा उठाने का सोच लिया। फिर क्या था, मैंने फिर रेलगाड़ी चला ही दी और मुझे मजा भी बहुत आया था, उनके लिए सब नया था। वो बोली, क्यों जी आज तो कुछ अलग ही रंग दिखा रहे हो? मैं कुछ नहीं बोला। माँ बोली, मेरी आवाज से कहीं हर्ष जग ना जाए। एक बात तो मेरे समझ में आ गई थी, मेरे बाप से पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुआ। वो बोली, पतिदेव आज तो कमाल कर दिया, अब तो तुझे रोज ये ही चाहिए होगा, अब देर ना करो। फिर क्या, मेरी तो लॉटरी निकल पड़ी थी। मैं थोड़ा सा डर गया, अगर मेरा बाप उड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ मेरे राजा ऐसे रोज किया करो मेरी। फिर हम सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे कान पर हाथ पड़ा, क्योंकि माँ गुस्से में मेरे सामने खड़ी थी। उन्हें रात के बारे में सब कुछ समझ आ चुका था, लेकिन वो पापा के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। बाद में मेरे पापा के ऑफिस जाने के बाद मैंने अपनी माँ को कैसे मनाया
यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। मित्रों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी स्टोरी कैसी लगी। अभी के लिए नमस्कार। दोस्तों ये कहानी भेजी है हर्ष ने, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। इस कहानी में मैंने कुछ कथ्य बदल दिए हैं, तो जाते जाते आपको क्या करना है आप सभी को अच्छी तरह से पता है, फिर भी आप सब सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते, तो फिर जल्दी से अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक।